गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल प्रियंका शेखावत। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कैसे हैं आप लोग एंड आपके वहाँ पे कोरोना का क्या हाल है, क्योंकि लखनऊ में तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बस इसीलिए अभी हम लोग चाह रहे हैं कोरोना टेस्ट कराने। 18 अप्रैल को हम लोगों को लेह लद्दाख जाना है, तो उसके ब्लॉग्स भी आपको आएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। एंड बस अभी हम लोग जा रहे हैं कोरोना टेस्ट के लिए, काफ़ी टाइम लग जाएगा एंड काफ़ी डरते डरते जा भी रहे हैं। एक्चुअली घर पे बुलाया था, पर अभी इतने केसेस होने की वजह से घर पे वो नहीं आ रहे हैं, उनको वहीं से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो घर पे वो नहीं आ पा रहे हैं, तो हम ही लोग जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हर जगह वहाँ पर नीट होगी और वहाँ कराने बैठ गया तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसे तीन दिन की ट्रिप है हम लोग की, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ पर बिल्कुल भी। इस वजह से अभी घूम घाम के जा रहे हैं और हर जगह यहाँ पे कहीं कहीं पे रास्ते भी ब्लॉक कर रखे हैं, तो काफ़ी घूम के जाना पड़ रहा है, कई रास्ते बंद हैं। एंड लखनऊ का ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा, इतने केसेस होने के बावजूद भी ट्रैफिक लग रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना लोग अवेयर हैं। जिनको नीड है वो भी जा रहे हैं, जिनको नहीं है वो भी घूम रहे हैं। और मास्क तो खैर पहले से बेटर है, मतलब मास्क सब लोग पहले से ज़्यादा लगा रहे हैं। अभी बस वहाँ जाते हैं, फिर मे बी शॉपिंग पे जाएं क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ रही होगी एंड अभी उतने ज़्यादा कपड़े नहीं हैं ठंड वाले, सो अभी हम लोग थोड़े से कपड़े भी खरीदेंगे। जा रहे हैं क्योंकि कई कई जगह पे आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी जाना काफ़ी रिस्की है क्योंकि ऑलरेडी कई सारे पेशेंट यहाँ पे कोरोना के अवेलेबल हैं। सो अपनी सेफ्टी से जा रहे हैं, बाकी सब अच्छा रहे, होप सो। सो गाइज अपोलो मेडिक्स में भी लोचा हो गया क्योंकि वहाँ पे कोविड टेस्ट हो ही नहीं रहा, मतलब इतना अच्छा जाना माना हॉस्पिटल है। जैसे हम लोगों ने पूछा कि कोविड टेस्ट हो रहा है, तुरंत मना कर रहे थे, जब कोविड टेस्ट ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा यार। हाँ चलो क्या ही करें, कहीं और ट्राई करते हैं। एंड लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया इसलिए हम लोग पहले करा लेते, पर वैलिड 48 आवर्स बिफोर का ही होगा तो कोई फ़ायदा नहीं था रिपोर्ट का। और मास्क तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, मैंने बस लगा के बैठी हुई हूँ, गुस्सा आ रही है। इनका कोई फ्रेंड है अभी हॉस्पिटल में, तो शायद उसके थ्रू हो हमारा चेकअप, क्योंकि ये टाइम लगता है ना थोड़ा। फिर अब घर आज कराऊंगी तो कल तक रिपोर्ट फिर शाम तक मिल जाए, तो ही है क्योंकि सुबह सुबह की फ्लाइट है परसों का, तो कोई भी मतलब चांस ही नहीं है कि परसों सुबह कलेक्ट करके फिर जाएं। 6 बजे की तो 6:10 या 6 बजे की कुछ फ्लाइट है यार। कुछ नहीं जा रही थी, हमने कुछ है हम कुछ करेंगे जल्दी कर दादा, हम बताए दे रहे कल लो हमका का है, हमसे कुछ होगा तम। सो गाइस हो चुका है हमारा कोरोना का टेस्ट, वो अभी गाड़ी में, और काफी अंदर तक, मतलब अभी आपको कुछ भी हुई थी? मुझे भी अभी तक बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं, फर्स्ट टाइम कराया, बड़ा अजीबो गरीब सा था, सलाइवा लिया एंड फिर नोज में जो होता है, फाइनल हो गया। पता नहीं है रिपोर्ट कल शाम में मिलेगी या परसों सुबह तक आयोग मिल जाएगी, क्योंकि मेल डलवा दी गई है उसके लिए। अब जा रहे हैं, एक भैया हैं उनको रिसीव करना है, उनकी शादी आने वाली है तो उनको शॉपिंग करनी है, उनके लगे हाथ हम भी कर लेंगे। अभी हम लोग आए हैं बस सहारागंज मॉल, हजरतगंज वाला, पूरा सन्नाटा हो रखा है यहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा, इतना रश होता था यहाँ पे इस मॉल में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा है आपको, क्योंकि मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पे पूरा पूरा आप देखो, किसी भी फ्लोर पे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है, एंड हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस वजह से हम लोग आए हैं, वरना हम लोग खुद ही अवॉइड करते। गाइस हम लोगों को ब्लैकबेरी जाना है, एक्चुअली जो भैया जा रहे हैं मेरे साथ प्रशांत भैया, इनकी शादी है तो बस कोट पैंट लेना था।
सो सॉरी गाइज, मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी. एक्चुअली मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ. सो अभी बज रहे हैं रात के 11:30. बस सोने की तैयारी कर रहे हैं. मैंने सो भी चुके हैं पीछे आंदा जैसे. तो बस अभी सो जाएंगे. एंड बाकी आज कुछ खास लिया नहीं, बस भैया की शॉपिंग हुई थी. हम लोग की तो बची हुई है, तो कल जाएंगे हम लोग फिनिक्स प्लासियो. वहाँ पे कुछ देखते हैं क्योंकि ज़ारा एंड H&M वगैरह वहाँ पे कुछ मिला नहीं हम लोग को गंज में. एंड दूसरा मॉल जाने का टाइम भी नहीं था, घर भी टाइमली वापस आना था. तो अब बाकी की जगह जो बची हुई हैं वो हम लोग कल एक्सप्लोर करेंगे. सो ये मैं इसी ब्लॉग में ही कंटिन्यू कर दूँगी. तब तक के लिए गुड नाइट, कल मिलूँगी, बाय बाय. सो गाइज, बैक अगेन. और अभी बज रहे हैं 2:00 PM. बस हम लोग निकल रहे हैं. लेट मी शो यू. बस हम लोग निकल रहे हैं अभी घर से. मास्क मैंने ले लिया, सैनिटाइजर ले लिया, बैग मैंने रेडी कर लिया है. और अभी जा रहे हैं फिनिक्स प्लासियो. गेटअप मेरा यही, तो वहाँ जाएंगे. फिर वहाँ पे थोड़ा सा भैया को भी सामान लेना था और हमारा तो कल कुछ भी नहीं मिल पाया था. और आज जाके वहाँ पे जाएंगे. काफ़ी लेट हो गया है, आके वापस पैकिंग भी करनी है. लेकिन सामान ज़रूरी है, इनर वगैरह लेना है क्योंकि है भी नहीं. और देखो कहाँ मिलता है, मुश्किल ही है जो मिले. गर्मी का सीज़न चल रहा है, इनर मॉल में ही चांसेस हैं थोड़े बहुत कि मिल जाएं. चलो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मिलती हूँ मैं आपको सीधे प्लासियो में. फोटोज में डाल देना एक बार यूट्यूब पे. ये हमारे विकास भैया हैं और कृष्णा नगर में इनका नाम गुटखा खाने की वजह से फेमस है. कम से कम वो वीडियो जिसमें विकास सिंह की फोटो होगी वो कम से शकल तो दिखाओ विकास भाई. बस दिखा देता शकल जमाने में तुम विकास सिंह की फोटो डाल दोगी कम से कम 4 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे. नहीं ऐसा कुछ विकास, इतना फोटो वीडियो को इतना घुमा देंगे मार्केट में. नहीं बाहर जाएंगे. माँ डरी मेरे दोस्ती. देख ले जा रहा कहाँ पे है. देखो जा रहा कहाँ लिखा है? जा रहा छूना जरूरी जा रहा है. H&M ज़ारा का कुछ इसमें दिख नहीं रहा कि ज़ारा कहाँ पे. मैप पे भी मैंने ढूंढा पर मिल नहीं रहा है.
तो पहले हम लोग जाएंगे H&M, अगर H&M में ही वहीं पे कोई से पूछ लेंगे कि ज़ारा अवेलेबल है भी कि नहीं या कहाँ पे भी है। काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, मतलब लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल यही वाला है, यहाँ पे आपको 100+ ब्रांड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे भी नहीं है, टॉमी में बेल्ट देख लो ना है कहाँ। तो गाइस काफ़ी अच्छा सा है ये, 100+ ब्रांड्स मिलेंगे क्लासियो। कहाँ चले गए सारे, पीछे ओनली है एल्डो। ये यहाँ पे बूट्स मिल जाएंगे एल्डो में, और देखिए कहाँ चलेगा भैया। गाइस ये है H&M, मैं ढूंढ रही हूँ इसके बेसिक्स कहाँ पे हैं, क्योंकि आई थिंक मुझे वही चाहिए जो बेसिक टी शर्ट्स होती हैं काफ़ी रीजनेबल प्राइस में। आई थॉट आई गॉट इट, फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका। बूट्स देख लो कहीं पे, कहाँ पे है, कहाँ पे हो यार, ये तो बहुत ये सच में बहुत ज्यादा सोखते हैं। पहली बार में ऐसे ही लगता नहीं है सच्ची, ये देखो अब रख तो दो, तीन चार दिन नहीं हो रहा, तुझे खर्चा क्या का दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत इतना ज़्यादा थक गए हैं कि अब चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, और अभी जाके हमें पैकिंग भी करनी है, बिल्कुल भी कुछ भी पैक नहीं कर रखा है, बस मेरी जीन्स बची है, मैंने शूज़ भी ले लिए अपने, और लोअर टी शर्ट एक लेनी थी वो भी ले ली, बस जीन्स बची है, वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगा था ज़ारा यहाँ पर होगा पर अनफॉर्चुनेटली ज़ारा यहाँ पर भी नहीं है। H&M में गई मैं लेकिन उतना पसंद नहीं आया, अभी बस लास्ट ओनली बचा हुआ है मैं उसमें ट्राई करती हूँ, नहीं होता तो फिर अपनी पुरानी जीन्सों में ही काम चला लूँगी। बहुत लेट हो गया, 6 बज गए यार, कितनी देर के आए हुए हैं। चलो गाइस बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइस जो मैंने शॉप किया था, दिस इज़ द गेटअप, दिस शूज़ आर फ्रॉम प्यूमा, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे, एंड दिस इज़ द ट्रैक सूट टाइप्स ऑफ ड्रेस जो मैंने आज ली, जीन्स मेरी रह गई है, चलो फिर कभी ले लूँगी। सो मैंने सोचा जब शॉपिंग कर ही ली है थोड़ी सी, बाकी इनका तो अभी बहुत सारा फैला पड़ा हुआ है, वो जब पहनेंगे मैं बता दूँगी क्या क्या लेके आएंगे। बैग फ्री मिला हम लोगों को विद द शॉपिंग, प्यूमा के साथ नहीं, मैक्स से शॉपिंग की थी, मैक्स उसके साथ में फ्री मिला है। सो यस रेडी टू गो, बस ट्राई कर रही थी क्योंकि ट्रायल अवेलेबल नहीं था कोरोना की वजह से, तो बस अंदाज़ा से ही हमने लिया था ये, बस वही ट्राई करके देख रही थी मैं।
सो गाइज ये था मेरा हॉल, सॉरी पूरा शेयर नहीं कर पा रही हूँ। एंड यस कमिंग मी डाउन कैसी लग रही हूँ क्योंकि कल यही पहनने वाली हूँ। सुबह सुबह काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं ज़्यादा जीन्स और ये ट्राउज़र वगैरह कैरी नहीं करना चाह रही थी, सिंपल नॉर्मल सा ट्रैक सूट टाइप्स हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और अच्छा भी लग रहा है, ये क्लासी है। सो चलिए अब आगे के ब्लॉग्स आप लोग इन्जॉय करिएगा। वीडियो को अभी तक अगर देखा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा अगर नहीं प्रेस किया है तो। मिलती मैं आपको अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय गाइज़।